हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जसमीत। दिस इज़ जसमीत कौर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये जो है हमारा सी टेट का एक टॉपिक है। अगर आप सी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ये मैथ्स पैडागॉजी का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटीरियल क्या होता है, उसका कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम, क्या यूज़ होता है उसका, तो वो हम पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम TLM भी बोल देते हैं, तो TLM भी कहीं पर लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि TLM इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो वो है क्या? तो सच अ सपोर्टिव मटीरियल, कोई भी ऐसा सपोर्टिव मटीरियल यूटिलाइज टू इन्हांस टीचिंग, जो कि यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं टू इन्हांस आर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमारा टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो हमारी प्रक्रिया है सीखने और सिखाने की, तो उसमें जो है उसको हम इफेक्टिव करने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ TLM। तो उसको हम क्या बोलते हैं, TLM बोलते हैं। कि कोई भी सपोर्टिव मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, जिसको बढ़ा रहा हो, दैट इज़ TLM। तो ये है एक डेफिनेशन TLM की। इसके अलावा कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। TLM जब भी दिमाग में आए तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको अच्छा बना रहा है या उसको इन्हांस कर रहा है, उसको इफेक्टिव कर रहा है, तो वो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही कंसिडर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट इज TLM इन मैथमेटिक्स। अब TLM इन मैथमेटिक्स, अब मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में क्या TLM होता है? तो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट विच मैनिपुलेट्स एलिमेंट्स। ये मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करता है, मोस्ट ऑफ विच आर एब्स्ट्रैक्ट। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एलिमेंट्स, यानी कि जो हमें समझ नहीं आने वाले होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो अब कोई भी चीज़ है, सिग्मा इज फॉर समेशन, अभी क्या होता है, मैथ्स का ही प्रोसेस है एक। तो ये सब चीज़ें प्लस, किसको नहीं पता तो प्लस तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है उसके लिए कि प्लस क्या होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर यानी कि हम समझ नहीं आ सकते। जैसे सपोज सोलर सिस्टम है, तो एक बच्चे को जिसको नहीं पता सोलर सिस्टम क्या है, तो उसके लिए तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है कि उसने कभी देखी नहीं है, सामने नहीं है उसके। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें मैथमेटिक्स में होती हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो दिस मेक्स मैथमेटिक्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। इसी से क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स होती है वो हल्की सी डिफिकल्ट हो जाती है, और टाइम टीच होती है एज वेल एज टू लर्न, मतलब डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है ये, मतलब पढ़ाने का, टीच करने का और लर्न करने का, दोनों के लिए, टीचर के लिए और लर्नर के लिए, बोथ कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पैदा कर देता है। तो कॉन्क्रीट मटेरियल्स जो हैं आर इफेक्टिव मीन्स, ये एक इफेक्टिव मीन्स होते हैं कि हम डेवलप करें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स बच्चों के अंदर। ठीक है, तो इससे हम कर सकते हैं, तो इसलिए मैथमेटिक्स में TLM जो है वो ये मायने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता पॉइंट की क्लैरिटी। अब ये क्यों हमें TLM, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो फर्स्ट आता है कि क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट। कंटेंट में क्लैरिटी आती है अगर हम कोई TLM का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कंटेंट जो है वो और क्लियर हो सकता है बच्चे का। फिर नेक्स्ट आता है टू मेक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। तो जो सब्जेक्ट है उसका और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, और बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जो TLM होते हैं ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से होते हैं, यानी कि नोन टू अननोन पे जाता है। या फिर मैं बोलूँ कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें एकदम नहीं बतानी है आपने कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो कॉन्क्रीट पहले मटेरियल दिखाया, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे बेस्ड होता है। और इसकी साइकोलॉजिकल वैल्यू भी है, यानी कि साइकोलॉजिकल वैल्यू एज इन कि वो बच्चे जो है उससे बेनिफिट ले सकते हैं और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, तो यही इसकी साइकोलॉजिकल वैल्यू है। फिर है यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। तो सेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि आपकी सेंस ऑर्गन्स जो है वो इसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है, और स्मेल का सेंस हो गया, विजन का सेंस हो गया, टेस्ट का सेंस हो गया, हियरिंग का सेंस हो गया, तो ये टच का सेंस हो गया, तो ये सेंसेस होते हैं। तो सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। फिर होता है कि ये टाइम सेव करता है और एनर्जी भी सेव करता है, कि एक ही चीज़ को आप बार 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 समझाते रहोगे नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप एक बार किसी कॉन्क्रीट मटीरियल से, किसी कॉन्क्रीट मटीरियल से, किसी टीचिंग लर्निंग मटीरियल से अगर आप यूज़ करते हो, तो वो टाइम भी सेव करेगा और एनर्जी भी सेव करेगा, कि आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा बच्चों के रिटेंशन के लिए, उनका रिटेंशन हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर आता है कि फिक्सिंग अप द नॉलेज, नॉलेज को फिक्स करने के लिए, रिटेंशन के लिए, वही मैं बात करूँ तो, ताकि वो नॉलेज जो है वो बच्चे के अंदर परमानेंट रहे, वो भूले नहीं उस चीज़ को।
फिर मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट करने के लिए हर एक बच्चा अलग है, तो हर एक बच्चे के कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंसेस है, तो वो भी मीट कर पाएगा क्योंकि वो खुद उस चीज़ को कॉन्क्रीट वे में समझ रहा होगा। ठीक है, इनकरेजिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी और इनकरेजिंग हो जाती है, और हायर मेंटल एबिलिटीज जो है इससे हम डेवलप कर सकते हैं, साथ ही हम साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप कर सकते हैं बच्चे के अंदर यूजिंग TLM इन मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड TLM। अभी गुड TLM क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हमें देखना है कि कैसा होना चाहिए TLM। तो इसके अंदर ना डिजायरेबल यूटिलिटी होनी चाहिए, यूजेज उसका होना चाहिए, उसका बेनिफिट जो है वो बच्चे को होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप बुक में वही चीज़ बनी हुई है और आप वही चीज़ को चार्ट पेपर पे बना दो तो उस चीज़ से कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो वो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि वो चीज़ बच्चे के उसमें भी है और वही आप एक सुंदर सुंदर डिज़ाइन से लिख दो, तो उसका कोई इतना यूज़ नहीं है। तो हमें जो काम करना है वो शुड बी ऑफ डिज़ायरेबल यूटिलिटी, जो TLM बनाना है दैट इज़ ऑफ डिज़ायरेबल यूटिलिटी, उसका कोई यूज़ हो, वो यूटिलिटी उसकी। ठीक है, और ये शुड सूट द एज एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो है वो एज और क्लास को भी वो सूट करे। ठीक है, फिर आता है कि शुड बी प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव, ये प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं कि गंदा सा बना हो तो बहुत सुंदर सा बनाओ इसको। ठीक है, शुड बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि मतलब रियलिटी में कोई चीज़ और है बट हम उसको दिखाओ उसको किसी और तरीके से दें जो वो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो इजीली पोर्टेबल होना चाहिए, यानी कि आप उसको ले जा सको और मतलब क्लास में उसको ले जा सको, ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी बड़ी चीज़ दिखा दो जो आप लेके ही ना जा सको, जो है ही नहीं, आप दिखा ही नहीं सकते बच्चे को, तो वो इजीली पोर्टेबल होना चाहिए, उठा के लेके जाया जा सकता हो। ठीक है, शुड बी चीप, थोड़ा सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इजी टू प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसी चीज़ मतलब कि आपको मिले ही ना हो, बहुत महंगी हो, तो वो चीज़ हम बच्चे को नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो आता है हमारा फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ TLM की। अब ये टाइप्स क्या होते हैं TLM के, जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल है हम किस टाइप का होता है, तो पहले मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस यूज, तो अगर मैं सेंसेस कैसे यूज़ हो रही है उस तरीके से बात करूँ तो थ्री टाइप्स का होता है हमारा। फर्स्ट इज ऑडियो मटीरियल, दूसरा होता है विजुअल एंड थर्ड इज ऑडियो विजुअल। ऑडियो मटीरियल इज समथिंग जिसमें हमारी आवाज़, आवाज़ ऑडियो का मतलब क्या होता है आवाज़, तो यानी कि सुनना और बोलना, तो ये चीज़ जब इन्वॉल्व होती है तो वो क्या होता है ऑडियो। जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड कर कर मैं अपनी आवाज़ सुना रही हूँ किसी को, तो अगर या मैं टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर रही हूँ या मैं कुछ सुना रही हूँ बच्चे को, तो वो डैट इज़ ऑडियो मटीरियल। ठीक है, ग्रामोफोन का यूज़ करके या रेडियो का यूज़ करके, तो वो ऑडियो मटीरियल हुआ। विजुअल में मैं बोलूँ तो जिसमें आप सिर्फ देख सकते हो, एज इन जैसे मैं PPT चला दूँ तो PPT में यू कैन ओनली सी, आप बस देख सकते हो उसको। ठीक है, तो दैट इज़ विजुअल मटीरियल। ऑडियो विजुअल में मैं बात करूँ तो जैसे अब ये वाली जो वीडियो है हमारी, ये एक इंटरैक्टिव वीडियो है जिसके अंदर मैं बोल भी रही हूँ आप सुन भी रहे हो, तो एक ऑडियो विजुअल हो गया, तो यानी कि ऑडियो भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है इसमें। ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन चल भी रही है और साथ में ऑडियो भी आ रही है मेरी और आप आवाज़ भी सुन सकते हो मेरी, तो ये ऑडियो विजुअल मटीरियल हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन इसका मतलब मोस्ट सुटेड एग्जाम्पल है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में ऐसा कुछ होता है, वीडियोस दिखा सकते हो आप, तो वो सब चीज़ें जो है वो ऑडियो विजुअल मटेरियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो तीन टाइप के होते हैं, डेट इज़ प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और एक्टिविटी मटीरियल। तो प्रोजेक्टेड होते हैं जिसको हम प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं, डेट इज़ प्रोजेक्टेड मटीरियल। और कुछ होते हैं जिनको हम नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल, जिसको हम प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करके नहीं दिखा सकते, जैसे कि मॉडल हो गया, तो उसको मेरे को प्रोजेक्टर पे दिखाने की जरूरत है, वो मैं ऐसे दिखाऊंगी, तो दोज आर नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। और एक्टिविटी मटेरियल इज समथिंग जो हम एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई एक्टिविटी आपने करवाई तो उसके लिए आपने कोई चिट्स बनाई या कुछ भी बनाया आपने, तो आप एक्टिविटी के लिए जो जो चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो दोज आर एक्टिविटी मटीरियल, और वो भी एक टाइप का TLM है हम। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा सम इम्पॉर्टेंट TLM फॉर मैथमेटिक्स। अब कौन कौन से TLM आते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में हमारे पास इस टाइप के कुछ TLM हैं, जो कि है फर्स्ट आता है हमारा ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड तो हर एक उसमें यूज़ होगा ही होगा, ब्लैक बोर्ड एक हमारा TLM होता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड में क्या होता है अब इसके अंदर, कि ब्लैक बोर्ड आपको असिस्ट कर रहा है यूज़ करने में, तो ब्लैक बोर्ड मैथ्स में क्या है कि हमें कुछ ना कुछ लिखना तो है ही है ब्लैक बोर्ड पे, या कोई हम सम्स जो करवा रहे हैं तो हम लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, तो ब्लैक बोर्ड इज़ अ TLM इन मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स। फिर आता है डायग्राम्स, डायग्राम्स भी यूज़ होते हैं। मैं सिंपल अभी बात कर रही हूँ, जो जो चीज़ें होनी है डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, टेबल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, TLM का, और जो बेसिक TLM जो है वो आते ही आते हैं। फिर आता है रियल ऑब्जेक्ट्स, आप रियल ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से भी कुछ बता सकते हो, जैसे कि अगर हम एडिशन सिखा रहे हैं तो मैंने बोल दिया ये 2 पेंसिल्स हैं, और मैंने पेंसिल दिखा दी और 2 पेंसिल्स और दिखा दी, तो अब बताओ कितनी पेंसिल हैं, तो 4 पेंसिल्स हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स हो गया। मॉडल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो बड़े वाले होते हैं उससे हम, जैसे स्केल हो हमारे पास बड़ा वाला, कंपास हो, उससे हम कंस्ट्रक्शन का काम जो है या फिर ज्योमेट्री का जितना भी काम है वो हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ओवर हेड प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर तो हम यूज़ करते हैं, ये क्या हुआ हमारा प्रोजेक्टेड एड हुआ हमारा एक तरीके से। अब पीडीएस्कोप भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम, जैसे कोई रिटन मटेरियल है आपका, ठीक है, तो उसको मैं अगर उसमें डालती हूँ तो वो स्क्रीन पे हम सामने लेके आ सकते हैं और वो आप देख सकते हो, उसको बड़ा करके देख सकते हो, उसको इनलार्ज करके किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को हम, जैसे मान लो मेरे को अगर कोई लीफ दिखानी है, लीफ का पैटर्न दिखा रही हूँ, मैं पैटर्न सिखा रही हूँ, तो लीफ मैं उसमें रख दूंगी तो लीफ इनलार्ज हो जाएगी, तो मैं उसको स्क्रीन पे बड़ी क्लास में पूरी, अगर स्ट्रेंथ मेरी 30-40 है तो मैं उन 30-40 बच्चों को दिखा सकती हूँ यूजिंग अ पीडीएस्कोप। नेक्स्ट इज सिनेमा, सिनेमा एक बहुत कॉमन है हमारा, ऑडियो विजुअल एड। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की आप कटिंग्स यूज़ कर सकते हो या कुछ भी यूज़ कर सकते हो न्यूज़पेपर को। कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ये तो आजकल बेसिक हो चुका है क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट इज़ लाइक हर एक के पास है, और अब आजकल जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो डेवलपमेंट हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, तो उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल गेम्स एंड रिडल्स, मैथमेटिकल्स गेम्स के थ्रू, रिडल्स के थ्रू आप करवा सकते हो। फिर विजिट्स एंड एक्सकर्जन, आप लेके जा सकते हो बच्चे को, जैसे बैंक में ले गए या मार्केट में अगर हम ले गए बच्चे को, या किसी भी तरीके से विजिट्स और एक्सकर्जन करवा सकते हैं, और मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हम ईजिली करवा सकते हैं। एंड लास्ट आता है वही हमारा एक्टिविटी मटेरियल यहाँ पर, तो एक्टिविटी मटेरियल तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक्टिविटी करवाओ तो आप एक्टिविटी मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हो, और एक्टिविटी मटेरियल जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट TLM होता है उसमें। फिर नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर मैथ्स टीचर। अब कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल या कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहला होता है कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करो। दूसरा होता है हमारा पिक्चर्स एंड चार्ट्स, की पिक्चर्स एंड चार्ट्स करो। या थर्ड आता है हमारा मॉडल्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब मॉडल्स में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो कि है, जैसे अबेकस, अबेकस हो गया हमारे पास, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गया, अबेकस हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू पॉकेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन डिस्क, फ्रैक्शन डिस्क इज समथिंग जो फ्रैक्शन पढ़ाने के काम आती है, कि उसको हम फोल्ड करके दिखा सकते हैं बच्चे को, तो दिस दैट इज़ द फ्रैक्शन डिस्क। जियो बोर्ड हमारा ये होता है कि एक हमारा जैसे कार्डबोर्ड या कोई वो वुडन प्लेट हो गई, एक तरीके से वुडन एक इतना हो गया हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, उसके अंदर हमारे नेल्स लगे होते हैं, यानी कि कील लगे होते हैं हमारे, आयरन नेल्स लगे होते हैं, कील लगे होते हैं, जिसमें उसके बाद आप ऊपर उसके रबर बैंड करके आप कुछ भी शेप वगैरह बता सकते हो, तो डैट इज़ जियो बोर्ड। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है कि फ्रैक्शन डिस्क, जियो बोर्ड ये सब क्या होता है, तो इसको आप सर्च भी कर सकते हो, इसको प्लीज़ इंटरनेट पर जाकर सर्च करो और इसके पिक्चर्स जो है वो आप देखो, ताकि आपको पता चल जाए कि फ्रैक्शन डिस्क क्या है और जियो बोर्ड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग से भी आप बहुत कुछ करवा सकते हो, तो पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी चल सकती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय स्टडी विद जसमीत। थैंक यू।